रामपुर आए और रामपुरी चाकू का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हम आ चुके हैं बब्बू भाई रामपुरी चाकू वाले और आप देखिए इनकी दुकान में चाकू ही चाकू नजर आएगा। बाहर से एक निगाह डालिए और उसके बाद अंदर, और इतनी वैरायटी की चाकू शायद आपने अपनी जिंदगी में ऐसी दुकान नहीं देखी होगी जहां सिर्फ चाकू बिकता है। बतौर व्यापारी मुझे आप ये समझाने की कोशिश करिए और ये बताइए कि रामपुर के चाकू का व्यवसाय कैसा चल रहा है, क्या बदला है, क्या कुछ बदलाव आया? बदलाव तो आया, देखिए अभी 3-4 साल से जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर कुछ कोशिश की है, कुछ इस पर काम किया है और फिर रामपुर के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे 20 फुट का दुनिया का सबसे बड़ा चाकू लगा दिया बना के, इसी सरकार ने लगाया। इस सरकार ने इसको ODOP में शामिल किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, जैसे रामपुरी चाकू है, वायलन है, टोपी है रामपुरी, रामपुर का जरी का काम है, इस सबको तो इस ODOP में शामिल करने की वजह से हमारा काम पहले से कुछ बेहतर हो गया। बेहतर हो गया जी, बेहतर। पिछली सरकार 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार और 17 से लेकर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, काम बढ़ा है, काम बदला है, बदलाव हुआ है? काम तो बढ़ा है सर, काम तो बिल्कुल पक्का बढ़ा। कौन सी सरकार बेहतर? नहीं, बेहतर तो यही है, अब तो जो वर्तमान में है वो सरकार बेहतर है। बेहतर है जी, बेहतर। तो आपका व्यापार कैसा चल रहा है? व्यापार बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रहा है। तो लोग कह रहे हैं डर खत्म हुआ है, दहशत खत्म हुई है, माफियावाद गुंडावाद खत्म हुआ है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो आप तो पूरा यूपी देख रहा है, पूरा इंडिया देख रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर कितना मजबूत हुआ यूपी के अंदर। सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है। तो नगर पालिका चुनाव में क्या मुद्दे हैं आप लोगों के लिए? विकास मुद्दा है। और व्यापार, जैसा दुकान वाले बता रहे हैं कि व्यापार में बदलाव हुआ है, व्यापार बढ़ गया है, तो सरकार के जो कदम है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? योगी सरकार के कामकाज से संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट हैं।